केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत ने मात्र 22 महीनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% आबादी को कवर करते हुए 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली में 5G वैश्विक मानक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि 5G रोल ओवर में 2040 तक अर्थव्यवस्था में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। This technology is not merely just fast internet. It's not merely just low latency, but it's laying the groundwork for intelligent cities, visionary infrastructure, and autonomous innovation. In India alone, for example, 5G is anticipated to inject an astounding $450 billion into the economy by 2040. केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि दुनिया प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक आदर्श बदलाव देख रही है, इसलिए मानकों, विनियमों और अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा भारत में आयोजित की जा रही है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 100 से अधिक देशों के नेता नई दिल्ली में मौजूद हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि आज देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सिटीज और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे रहा है।